नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ ग्लोबल वेब टीवी के स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में एक देवी बैठी हैं और आदरणीय बैठे हुए हैं। मैं इनका परिचय जरूर करा रहा हूँ, लेकिन ये इंदौर जैसे शहर में बल्कि मालवा निमाड़ में पहचान के मोहताज नहीं। आदरणीय बहन रीता डागरे जी, जबकि संजय डागरे साहब उनके पति देव हैं, मेरे बाजू में बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो इस व्यवसायिक युग में, जबकि हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से पैसा कमाना चाहता है, ये उन मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। सड़क पर उतरकर पुलिस से लड़ते हैं, प्रशासन से लड़ते हैं, और जितने भी सरकारी विभाग हैं, जहाँ की उनके काम नहीं हो रहे उनके लिए लड़ते हैं। बहन जी जो है वो रेप पीड़िताओं, दहेज प्रताड़ना से घिरी महिलाओं के लिए काम करती हैं, और डागरे साहब जो है वो किसी भी ऐसे काम में हाथ डालते हैं जहां खासकर गरीबों की सुनवाई नहीं हो पा रही। मैं इनके सम्मान में एक बात कहूंगा कि हाल ही में MYH में, जो कि हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां एक महिला थी, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। उसके साथ वहां पर वार्ड बॉय ने रेप किया और FIR दर्ज नहीं की जा रही थी, जबकि वह FIR कराना चाहती थी। MY प्रशासन ने, उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, उन्होंने 3 दिन तक उस महिला को एक प्राइवेट वार्ड में बंद रखा और FIR नहीं होने दी। बहरहाल बहन जी ने और संजय जी ने, जिनकी की बहुत सीमित आय है, इन्होंने अपने सोने के गहने बेचे और संबंधित पीड़ित को किसी बहुत दूर स्थान से बार बार लेकर आए और अंततः FIR कराई। दोषियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो भविष्य में उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है। बहरहाल मैं रीता डागरे जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल लोगों के लिए लगे रहती हैं। आदरणीय ये बताइए, आपके पास किस तरह के पीड़ित आते हैं? मेरे पास पीड़ित आती है महिलाएं, जिनके महिलाओं को पति सिर्फ सास ससुर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उनको तलाक तक नौबत आ जाती है। उनकी मदद करती हूँ, उन्हें न्याय दिलाती हूँ। कई जगह मेरी महिलाएं जाती हैं उनके साथ, उनको समझाती उसके परिवार को और उन्हें उनका घर वापस से बसाती हैं। कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो रेप पीड़ित रहती हैं। अभी गुजरात की लड़की आ गई थी, उसको विजयनगर में मैंने मुकदमा दर्ज करवाया काजी साहब से, उस लड़की को न्याय दिलवाया। हाँ, उनसे मुकदमा दर्ज करवाया और आज वो लड़की को उसके परिवार से मिलाया, जो परिवार उससे 6 महीने से अलग था, गुजरात का परिवार था, उसको यहाँ बुलवाया। यहाँ बुलवा के उस महिला, उस लड़की को उससे मिलवाया और आज वो खुश है और दुआएं देके जाती है मेरे लिए काफी। संजय डागरे साहब, आपकी आय बहुत कम है, लोग अपना जीवन बनाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए, अपनी साधन सुविधाएं बढ़ाने के लिए दिन भर मशक्कत करते हैं, लेकिन आप अपना कीमती समय लगभग 10-15 सालों से गरीब और मजलूम लोगों के लिए खर्च करते आ रहे हैं, तो अंदर क्या चल रहा है आपके, क्या भावना है, क्या आप किसी चीज से नाराज हैं, ईश्वर को खुश करना चाहते हैं, क्या चल रहा है? कुल मिलाकर इंदौर शहर में काफी दयावान और धनवान लोगों से भरा हुआ है, मगर मैं काफी टाइम से मैंने देखता था कि यार इंडस्ट्रीज हुई, नगर पालिका निगम हुआ, MY हुआ, शासकीय अनेक जगहों पर पीड़ित आदमी की कोई सुनवाई करने वाला नहीं, पीड़ित की कोई सहायता करने वाला नहीं। अगर कोई सहायता के लिए आगे भी आता है तो राजनीतिक लोग या अधिकारी वर्ग उस पर इतना दबाव बना देते कि वो बेचारा अपने घर में छुप जाता है जाकर डर के कारण। तो मैंने अपने जीवन को, जो भी पल है बचे है समय है, वो गरीब बेसहारा और जिनकी कोई मदद नहीं करता उनकी मदद के लिए अर्पित कर दिया है और उन्हीं के लिए आगे भी कार्य करता रहूंगा। दीदी, आप एक बहुत छोटा मोटा काम करते हैं जीवन में, छोटा सा आपका, मेरी जानकारी में कि आपकी कपड़े की दुकान है और आप सिलाई भी करते हैं, सिलाई सिखाते हैं, ऐसा क्या कारण बना कि आप समाज सेवा में उतर गए? देखिए, 2016 में मेरी बेटी है जो ट्विंकल डागरे, उसकी हत्या हो चुकी थी। हत्या होने के बाद हमारे साथ कोई भी नहीं था, उस हालात से मैं गुजरी हूँ, उस हालात में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई मेरे साथ नहीं था। इसीलिए जब बेटी का खुलासा हुआ उसके बाद मुझे लगा, मेरी बेटी ने मुझे प्रेरणा दी कि मम्मी हर किसी की आवाज बनना चाहिए, हर किसी की यही मेरे दिल ने भी आवाज दी कि क्यों ना रीटा, जो उनकी कोई मदद नहीं करता, वो हालात से मैं गुजरी हूँ, तो क्यों ना हर किसी, हर महिला की, हर पीड़ित की आवाज बने और उसके लिए जिनकी शासन प्रशासन नहीं सुनता उनकी आवाज बनके उनकी सुनवाई करे, उनको न्याय दिला।
खासकर यूरोप में और क्रिकेट की दुनिया में के हेड्स ऑफ होता है, मतलब मैं आपके सम्मान में अपनी टोपी उतार के आपको प्रणाम करता हूँ। तो मैं आदरणीय रीता ठाकरे जी और संजय ठाकरे जी को इस बात के लिए प्रणाम करता हूँ कि आज भी ये लोग किसी गरीब और मजलूम के लिए अपने सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं। मैं आपको एक संदर्भ बताना चाहता हूँ, इनकी गुड़िया थी ट्विंकल ठाकरे। आप लोगों ने अजय देवगन की फिल्म देखी होगी दृश्यम, उसी तरह ट्विंकल को कुछ कुंकार दरिंदों ने मारा था, जिसके बाद में प्रमाण भी मिल गए थे। उन लोगों ने आदरणीय जनों को ये कहा, पहले तो डराया धमकाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ गुंडागर्दी भी की और उसके बाद उन्होंने प्रलोभन दिया 1 करोड़ रुपए का। लेकिन माँ तो माँ होती है और पिता पिता होते हैं। तो आदरणीय ठाकरे साहब के सम्मान में एक बात कहता हूँ कि इन्होंने कोर्ट में ये कहा आरोपी को कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं, 1 बच्चा तुम तुम्हारे हाथ से खत्म कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बहरहाल ऐसे लोगों की कद्र की जानी चाहिए। तो पुनः दीदी से एक बात जानना चाहता हूँ कि आपके पास, आप चूंकि शहर की कार्यवाहक महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, लेकिन यदि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, मान लीजिए हम प्रेस कॉम्प्लेक्स में बैठे, आपको किसी को राजवाड़ा तक ले आना है, तो उसमें पैसा खर्च होता है। आपके बारे में पूरा शहर और पूरी मीडिया ये कहती है कि आप किसी से 5 नए पैसे नहीं लेते, तो ये आर्थिक दिक्कतों का सामना आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, आर्थिक दिक्कतों का सामना शुरू से ही करते आए हैं हम लोग। मेरी एक कपड़े की दुकान से घर चल जाए वही बहुत है, लेकिन महिलाओं के जो परेशान, उन महिलाओं का क्या करूं? तो मैं अपना घर चलाने से अच्छा समझती हूं, जो पैसा मेरे पास आता है, जो मैं करती हूं, अपनी सिलाई करती हूं, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनको मिला के जो भी पैसा आता, अगर कोई दुखी पीड़ित महिला आती तो उसके पीछे हम लगा देते। संजय जी, अभी मुझे दीदी से जानने को मिला था कि आपने अपनी सोने की चेन और अंगूठी जो सोने की थी वो बेचकर लॉकडाउन में लोगों को, खासकर अस्पताल में भोजन कराया। तो ये ठीक है, समाज सेवा का एक स्तर वहां तक होना चाहिए कि हमारे घर जलाकर हम दूसरों की दिवाली न मनाएं, लेकिन आप लोग ऐसा कर रहे हो, तो ये क्या चल रहा है अंदर आपके? हमने दुखों को सहा है, हमने परेशानियों को देखा है। 2016 में कुछ लोगों ने मेरी बेटी का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी। तब मैं और मेरी पत्नी एक टूटी सी गाड़ी पे, जिसका ये नहीं पता था हमको कि कब बंद हो जाएगी रास्ते में, कब पेट्रोल पी जाएगी वो, हम निकल पड़ते थे। हमने देखा है खुद दुखों को, करीब परेशानियों को करीब से देखा है। आज हमसे किसी भी दुखी इंसान की, महिला की, बहन की, बेटी की परेशानी देखी नहीं जाती। रात को 2 बजे हो या सुबह 4 बजे, जब भी मेरे व्हाट्सएप पर कोई न्यूज आती है किसी बहन बेटी के लिए, मैं तुरंत अपनी मिसेज को जगाता हूँ, उससे बोलता हूँ भाई पहले चाय पी ले, मुँह धो के नहीं, बोले चाय नहीं पीऊंगी, मुँह धो रही, बाल डाल रही, पहले वहाँ चलो। हम लोग तुरंत उस पीड़ित परिवार के पास पहुँचते हैं और जब वहाँ के हालात और स्थितियाँ देखते हैं हम, तो हमसे समझ सकते हैं हम इस चीज़ को भोगा है हमने, तो देखा नहीं जाता। और वही कारण है कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं हमारे पास क्या करेंगे। मानव जीवन में इंसान को 2 रोटी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सुख सुविधाओं के लिए तो सिर्फ वो लोग जिंदा है, वो लोग जिंदा है जो अवैध तरीके का कार्य करके जिंदा है। लीगल कमाई से आदमी इस युग के अंदर सिर्फ 2 टाइम की रोटी और एक छोटे से स्कूल में प्राइवेट में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सकता है लीगल तरीके से। इन लीगल तरीके से आप अपने बच्चे को CBSE स्कूल में पढ़ा सकते हो, इंग्लैंड में पढ़ा सकते हो, अमेरिका में पढ़ा सकते हो, मगर लीगल तरीके से आप आपके बच्चों को छोटे से स्कूल में शिक्षा दे सकते हो, 2 टाइम की रोटी प्राप्त कर सकते हो, उसके अलावा ना आपके नसीब में सोना होगा, ना चांदी होगी, ना 4-व्हीलर होगा। दीदी एक बात बताइए, जैसे अभी आपने तहजीब काजी साहब का नाम लिया जो विजयनगर के टीआई हैं, शायद इंदौर में वो इंद्रेश त्रिपाठी साहब जो कि आजाद नगर के टीआई हैं, ये एक मिसाल है लोगों की सुरक्षा के लिए, ये खाकी का सम्मान बढ़ाते हैं। पुलिस प्रशासन से आपको जो सहयोग मिलता है उसके सम्मान में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन से मुझे शुरू से सहयोग मिलता आया है, आज उनकी इज्जत करती हूँ, आज उन्हीं की वजह से मैं नारियों की, महिलाओं की, बेटियों की मदद कर पाती हूँ, और इसमें मुझे बहुत खुशी है कि उनके उनका मैं सम्मान करती हूँ कि वो मेरी मदद करती हैं। डागरे साहब, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने स्वास्थ्य विभाग को लेकर कहा, आपने पुलिस को लेकर कहा, आपने प्रशासन को कहा, आपने नगर निगम को कहा, आपके पास जो ज्यादा समस्या आती है वो किस विभाग की आती है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि कौन सा विभाग सुनता नहीं है लोगों की? शासकीय जो सिस्टम है एक समुन्दर के टाइप, एक समुन्दर के टाइप है, उस समुन्दर में अलग अलग रूपी अधिकारी बैठे हैं, किसी में मानवता जिंदा है,
किसी की मानवता बिल्कुल मर गई है, जिनकी मानवता जिंदा है वो अधिकारी वर्ग मदद के लिए आगे आते हैं और पीड़ित को मदद उन्हीं के द्वारा हम दिलवा पाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस शासन प्रशासन के सभी अधिकारी गलत है, उनमें आज भी अच्छे लोग हैं जो आम पब्लिक का दुख और परेशानियां नहीं देख पाते और हमको बोलते हैं कि भाई वहाँ आप पूछो और उनकी मदद करो। जैसा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आपको भोपाल बुलाया था, शहर कांग्रेस में भी अर्चना जायसवाल जी, चाहे वो संजय शुक्ला साहब हों जो विधायक हैं हमारे, वो सब आपके लिए सहयोग समर्थन करते रहते हैं, फिर भी एक ऐसी कोई टीस है जिसके कारण आप लोगों की समस्या को सुलझवाने में कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी है ना, ऐसा पक्षपात होता है कि आप कांग्रेस हो तो इनका काम नहीं किया जाए, होता है कई जगह होता है, कई थानों में भाई, कहीं बीजेपी के बैठे हुए भी बंदे हैं तो वहाँ होता है, लेकिन हम अपनी पुरजोर विरोध करते हैं, पुरजोर ताकत लगाते हैं और अपनी सुनवाई करते हैं, अपनी महिलाओं की मदद करते हैं। मैं पुनः आदरणीय बहन प्रीता डागरे जी और उनके पतिदेव संजय डागरे जी के सम्मान में बात करना चाहता हूँ कि अब इस तरह के लोग ईश्वर ने बनाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि अपने घर में आग लगाकर दूसरों की दिवाली बनाते हैं। जब मैं तीसरी कक्षा पांचवी कक्षा पढ़ता था तो ऐसे शिक्षक होते थे जो खाना भी देते थे और ट्यूशन का पैसा नहीं देते, जीवन मनाते थे। अब वो वाला भारत बदल चुका है, लेकिन इन दोनों को प्रणाम करते हुए मैं इनके सम्मान में पुनः बोल रहा हूँ कि ये लोगों के लिए टूट पड़ते हैं, अपना गहने बेच चुके हैं, अपनी जो आय है जैसा कि आदरणीय सिलाई मशीन चलाकर घर चलाती है, इनसे आप जुड़ी है, इनके संगठन से जुड़ी है, इनका सीधा सा पता है, यदि आपने मरी माता चौराहा इंदौर देखा है वहां पर आप किसी भी नाम पूछेंगे वहां से क्यों, बल्कि मीडिया के किसी भी साथी से पूछेंगे, तो इनका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, उनसे आप इनका पता लीजिए और जैसा कि शो के आखिर में ही अपना पता और मोबाइल नंबर देंगे, मेरा पुनः आग्रह इनसे जुड़िए और इनके लिए जो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये अपना नहीं ईश्वर का कार्य कर रहा है, ईश्वर ने हमें सबको अपनी जिम्मेदारी दी है, जैसे पुलिस को जिम्मेदारी दी है, वकील को जिम्मेदारी दी है, न्यायाधीश को जिम्मेदारी दी है, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये वो भूमिका निभा रहा है जिसमें इनके पास कोई सरकारी पद नहीं है, लेकिन एक सिस्टम को बनाने के लिए ये बहुत मेहनत करते हैं। आप सभी ने हमको सुना, आदरणीय रीता डागरे जी को सुना, संजय जी को सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और ये पहला शो नहीं है इनके साथ, इनके इतने महान कार्य हैं कि यदि 50 शो भी किए जाए तो कम होंगे, और निश्चित रूप से हम अगली बार एक नया मुद्दा लेकर आएंगे जबकि ये बताएंगे कि इन्होंने किसी कठिन मामले को अपने संघर्ष और साहस से कैसे सुलझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरा नाम संजय डागरे है, 24/1 मरी माता चौराहा में निवास करता हूँ। जो भी पीड़ित लोग हैं इंदौर शहर या मध्य प्रदेश में कहीं भी, उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई मदद लगती है, हमारे योग्य जो भी है, हम उनका उनके साथ उनके संघर्ष में उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, वो हमसे मदद के लिए उम्मीद रखे और हमसे जब भी उनको कोई तकलीफ या परेशानी आती है, शासन प्रशासन उनकी मदद नहीं करता, उनका साथ नहीं देता, तो हम शासन प्रशासन से ब्याज करके पीड़ित को पूरी मदद और सहायता पहुँचाएंगे। मेरा नंबर है 9300-370-9898, आप जब चाहो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं रीता डागरे, महिला कांग्रेस कार्रवाई की अध्यक्ष हूँ और मेरी एक संस्था है, सामाजिक संस्था, जो महिलाओं के संग आज दुष्कर्म हो जाते हैं, दहेज के लिए पड़ताना झेलती हैं और घरेलू हिंसाओं से परेशान रहती हैं, उन महिलाओं की मदद करती हूँ मैं, और उन महिलाओं का मेरी एक टीम है महिलाओं की, जो उन महिलाओं की मदद करती है, उनके लिए लड़ाई लड़ती है, उनको न्याय दिलाती है, और कहीं भी कुछ भी घरेलू हिंसा होती है तो इसके लिए पुरजोर विरोध करके उनके लिए शासन प्रशासन से लड़ते हैं हम लोग, और अगर कहीं भी हमारा कहीं सपोर्ट लगता है, हमारी कोई मदद लगती है, क्योंकि यही मैंने खुद ने भी सहा है, मेरी बेटी के जाने के बाद वो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली है कि किस आज जो मैंने सहा है और कोई महिला न सहे और कोई बेटी नहीं सहे, इसलिए मैं हर बेटी, हर माँ, हर बहन के साथ हूँ, अगर कहीं भी मेरी कहीं भी मदद लगती है तो मैं उनके साथ हूँ। मेरा नाम पता है मरी माता चौराहा 24/1 फ्रीगंज, मोबाइल नंबर 9425030-9798।
नमस्ते। ठीक है।